नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 5 कैन यू सी द पैटर्न्स में सीक्रेट नंबर से स्टार्ट करेंगे। सीक्रेट नंबर में क्या होता है, इसमें कुछ क्ल्यू दिए जाएंगे आपको और आपको ढूंढने हैं कि वो कौन से नंबर हैं। आपको पता नहीं रहेगा एग्जैक्ट और उसमें से आपको कुछ क्ल्यू देंगे, हाँ ये ऐसा नंबर है, ये इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये इतना गुना है, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड। आप अपना बेसिक नॉलेज का यूज करके इस सीक्रेट नंबर को आप ढूंढिएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, बनो एंड विनोद वेयर प्लेइंग ए गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्ल्यूज अबाउट ए सीक्रेट नंबर। ईच ट्राई टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्ल्यू। तो ये बन्नो और विनोद जो है वो आपस में एक गेम खेल रहे हैं, वो क्या है, सीक्रेट नंबर को ढूंढने का। तो हम लोग भी यहाँ पे उस में जो इंट्रैक्शन दिए रहेंगे उसको हम लोग क्ल्यू को डिफाइन करेंगे कि कैसे हम नंबर तक, सीक्रेट नंबर तक पहुँच पाएँ। तो अभी आप देखिए जो क्ल्यू है वो क्या है, ये हम लोग अभी क्ल्यू को देख लेते हैं। इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 6/10 एंड लेस देन 7/10। दैट मीन्स लार्जर देन हाफ ऑफ 100, तो हम लोग को पहले हाफ ऑफ 100 पता करना होगा, फिर 6/10 से ज़्यादा और 7/10 से कम। तो 6/10 क्या है, 7/10 क्या है और इसके बीच का वो नंबर है। देन द 10 डिजिट इज वन मोर देन द वंस डिजिट, तो यानी इसका मतलब है 10 डिजिट जो है वो वंस डिजिट से वो क्या है, एक ज्यादा है। टुगेदर द डिजिट हैव ए सम ऑफ 11। तो ये सारे क्ल्यू दिए हुए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीक्रेट नंबर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, एक एक क्ल्यू का ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके पास जो क्ल्यू है वो क्या है, फर्स्ट है इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। तो हाफ ऑफ 100 पहले निकालना होगा आपको, तो 100 हाफ ऑफ 100 क्या हो गया, 100 बाई 2 डैट मीन्स 50। और दूसरा क्ल्यू क्या है, इट इज मोर देन 6/10 एंड लेस देन 7/10, तो मोर देन 6/10 एंड लेस देन 7/10, इसका मतलब है ये 60 एंड 70 के बिटवीन ये नंबर होगा, 60 और 70 के बीच में। तो अब आप आ जाइए, अब दूसरा क्ल्यू क्या कहता है, तीसरा क्ल्यू, द 10 डिजिट इज वन मोर देन द वंस डिजिट, तो 10 डिजिट ज़्यादा है और जो है वो आपका वंस डिजिट कम है। तो 10 डिजिट इसमें सारे में क्या है, 6 है। तो हमको कौन सा नंबर इसमें से हो जाएगा, इस क्ल्यू के अनुसार हमको 60 से लेके कहाँ तक जाना है, 65 तक जाना है, क्योंकि उसके बाद जो है ये दोनों टेंस और ये इक्वल हो जाता है, 66 नहीं हो पाएगा, 67 ये यूनिट डिजिट ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये सभी इस क्ल्यू में काम नहीं करेंगे। अब आ जाओ, हमारे पास बच गए हैं 61, 62, 63, 64 एंड 65। अब लास्ट क्ल्यू है द टुगेदर द डिजिट हैव ए सम ऑफ 11। तो अब हम आप इस डिजिट को सम करेंगे, 6+1 जो है वो क्या हो गया, 6+1 7, 6+2 क्या हो गया, 8, 6+3 ये 9, 6+4 10, 6+5 11। डैट मीन्स जो हमारा डिजायर्ड नंबर है वो क्या है, 11। तो ये हमारा सीक्रेट नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। तो हम लोग व्हाट इज माय सीक्रेट नंबर उसमें लिखेंगे 11। तो यहाँ आप इसमें हम क्या लिखेंगे, 65 इज द सीक्रेट नंबर, तो 65 इसका आंसर हो गया। तो आप इसे लिख लेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, इसमें फर्स्ट क्ल्यू क्या है, इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। तो स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ 100 निकालेंगे पहले, 100 और हाफ ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 100 बाई 2 डैट मीन्स 50। तो हमारा नंबर जो होगा वो 50 से स्मॉल होगा। नेक्स्ट आपका बता रहा है इट इज मोर देन 4/10, डैट मीन्स 4 into 10, तो मोर देन 4/10 डैट मीन्स ये 40 से जो है वो ज़्यादा होगा। और इट इज लेस देन 5/10 डैट मीन्स 5 into 10 डैट मीन्स 50। तो ये नंबर जो है 40 से ज़्यादा और 50 से कम होगा। तो अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट क्ल्यू क्या कह रहा है,
इस क्लू के अनुसार क्या हो गया, नंबर्स आपके हो गए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। बट अगला क्लू जो है वो कह रहा है 10 डिजिट जो है वो 2 मोर देन द वंस डिजिट। तो वंस डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है और 10 डिजिट जो है वो सभी में 4 हैं। तो हमको उन नंबरों को देखना है जो 10 डिजिट से कम हो। तो द 10th डिजिट इज 2 मोर देन, तो 10th डिजिट से कम वंस डिजिट पे कौन कौन से नंबर हैं। 10th डिजिट से कम है 1, 41, 42, 43 और ये इक्वल हो गया, और बाकी के जो नंबर हैं वो हमारे इस क्लू से हट जाएंगे, यानी ये हमें काम नहीं आएंगे। अब हमको देखना है 10th डिजिट इज 2 मोर देन, तो 10 इस दोनों में देखना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो 2 मोर देन किस में हो रहा है, 2 मोर देन हो रहा है 42। नेक्स्ट क्लू क्या कह रहा है, टुगेदर द डिजिट्स हैव ए सम ऑफ 6। तो 41 कितना हो गया, 415। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्लू है उसमें दोनों का जो है वो सम 6 होना चाहिए। टेंस और यूनिट 415, 426, 437। तो 426 हो रहा है, इसका मतलब है यूनिट जो है वो 2 होगा और टेंस जो है वो 4 होगा। तो आपका डिजायर्ड नंबर क्या हो गया, 42। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट इज माय सीक्रेट नंबर, सीक्रेट नंबर इज 42। तो आप यहाँ लिख दीजिए 42। तो ये आ गया, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, और भी सीक्रेट नंबर्स को ढूंढेंगे, अपने फ्रेंड्स को देंगे और उसे फ्रेंड को बोलेंगे कि उसे आप ढूंढिए। तो राइट ए सेट ऑफ क्लू, राइट ए सेट ऑफ क्लू फॉर ए सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन, देन गिव इट टू ए फ्रेंड टू गेस हाउ गेस योर सीक्रेट नंबर। तो आपके सीक्रेट नंबर को ढूंढेंगे और इस तरह से आप इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सरप्राइज टॉपिक से पढ़ेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।